राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर है। अलीपुर में 362 तो शादीपुर में 393 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ये आपको बताते चले कि आईटीओ में 336, मंदर मार्ग में भी 336 AQI दर्ज किया गया है, द्वारका में 357, आरकेपुरम में 361 AQI दर्ज किया गया है। वहीं आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। इस बैठक में केंद्र की वायु गुणवत्ता पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM के नए आदेशों को अमल में लाने पर मंथन होगा। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में थोड़े सुधार के बाद CAQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब के तहत लागू पाबंदियों में थोड़ी ढील दी थी। आपको ये बता दें कि दिल्ली NCR में पिछले कई दिनों से हवा में तेजी से घुलते जहर के बीच कल थोड़ी राहत देखने को मिली और उन राहतों के साथ पाबंदियां थोड़ी सी कम कर दी गई, लेकिन आज एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में पॉल्यूशन पर हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। बिल्कुल, और अनुराग हम देख भी रहे हैं कि दिल्ली NCR में किस तरह से जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है। लोगों को सांसों में दिक्कत है, लोगों को लगातार कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस की शिकायतें आ रही हैं। अब यहाँ पर सांस लेना कितना ज्यादा दूषित होता जाता है वो अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली में प्रदूषण होने का नाम नहीं ले रहा, दिल्ली का हाल किस तरह का है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे साथी अभिषेक की। राजधानी दिल्ली NCR में आज भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 है जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं नोएडा की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 332 है जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियां आ रही हैं दिल्ली की तरफ से और जो नोएडा के अंदर से, इनके हेडलाइट्स आपको जले हुए मिलेंगे क्योंकि आसपास की जो विजिबिलिटी है वो काफी लो है। जो प्रदूषण के स्तर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके कारण गाड़ियां जो हैं अपनी हेडलाइट जला के चल रही हैं ताकि आपस में टकराए ना। इसके साथ साथ धुंध की एक मोटी चादर आपको दिखेगी, जो प्रदूषण जो है वो इस कदर आपको दिखेगा कि सामने की इमारतें आपको नहीं दिखेंगी। गाड़ियां जो हैं बेहद धीरे जा रही हैं ताकि आपस में ना टकराएं। जो आलम है यहाँ पे वो ज्यादा खराब है क्योंकि प्रदूषण के कण जो है PM2.0 PM10 वो आपको बीमार कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में आज का जो स्तर है प्रदूषण का वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये प्रदूषण का जहर जो है वो आपको बीमार कर सकता है और अस्पताल पहुंचा सकता है। ऐसे में मॉर्निंग वॉकर्स, विशेष रूप से बच्चे या बूढ़े या ऐसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, उन्हें इन सब बाहर निकलने से, इस वातावरण में खुद को एक्सपोज करने से परहेज करना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए। अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।